सुनो, मेरा ना कुछ दिल कर रहा है क्या आपके लिए करने का। बताओ क्या करूं आपके लिए। मैं बस चुप बैठो थोड़ा, यार नहीं, चुप बैठने को नहीं, कुछ बस करने का दिल कर बोलना, रहा है क्योंकि इस टाइम पे मैं अच्छा फील कर बस रही हूँ। करना ही है, बिल्कुल शांत बैठना है, बिल्कुल कुछ नहीं करना, ना मुझसे बात करनी है ना मुझसे कुछ कहनी है, चुपचाप बैठो 1 घंटे आराम से। यार मुझे अच्छा फील हो रहा है यार, तो मैं तुम्हें चाहती अच्छा हूँ। फील हो रहा है, मुझे अच्छा फील तब होगा जब तुम चुप बैठोगी। थोड़ा तुम्हें टीवी से इतना प्यार है, मैच से इतना प्यार है जितना मुझसे नहीं है। मुझे टीवी से ज्यादा प्यार है अभी फिलहाल। अच्छा फिलहाल यार मेरे लिए कोई बोले ना कि तुम्हारे लिए क्या करूं, तो मैं तो यही करूंगी, कहूंगी कि चलो ठीक है तुम कर दो। अच्छा, हाँ तभी तो कोई मैं कहता नहीं है ना, तो ये मैं कहता हूं कि कुछ नहीं करना इसलिए तुम कहती है। ठीक ऐसा कुछ नहीं है, या पैर है, दबाऊं या कुछ ऐसी चीजें बताओ, कुछ नहीं करना है, कुछ खाने के जबरदस्ती लिए बनाऊं स्पेशल। जबरदस्ती कुछ है ही नहीं, अच्छा ही नहीं है, कुछ कुछ तो होगा यार कुछ दिल भी में। नहीं है, दिल में है जो मैंने बता दी, बिल्कुल शांत रहो। आप लोगों के पति या कोई भाई या कोई है आपके घर में ऐसा, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इनकी तरह यार इतना अच्छा मौका मिल रहा है, हाथ से कोई जाने देता है? हाँ हम जाने देते हैं, मुझे पता है ये क्यों हो रहा है सब कुछ, ये ऑफिस जाते हो ना तैयार होके, इस वजह से हो रहा है। ठीक है, मुझे कमेंट भी आया था कि भैया का कोई चक्कर तो नहीं चल रहा ऑफिस में। सबका चल रहा है, जो कर रहे थे कमेंट उनको भी बुला लो। यार वो मजाक कर रहे थे मेरी तरह, यार आप सीरियस ले गए, इसका मतलब है मैं भी तो मजाक सीरियस ही कर इंसान रहा तभी था, लेता है जब होता है। चेहरा डाउन हो गया दोस्त, तो देख लो, डाउन जूम हो गया करके दिखाऊं, कैसे, कैसे पता लगता है जूम डाउन करके हो दिखाऊं। गया है, ओ रो माय रो के गॉड, देखो थोड़ी देर पहले स्माइल थी और अभी डाउन हो गया, कैसे पता लगता है डाउन हो गया, तो वो तो पता चल रहा है साफ साफ। अच्छी बात है। इंसान के दिल में खोट होता है ना तभी इंसान ऐसी बातें करता है, हंसता नहीं है, स्माइल चली जाती है। हमसे कोई बात करेगा ना तो हम तो स्माइल जाएगी नहीं, हंसेंगे। और सही बात, तभी मैंने देखा है तुम तो बिल्कुल ही दूसरे आसमान में चली जाती हो, बिल्कुल ऐसी कैसे बात करता हूँ। करूँ अभी ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ऑन कैमरा करूँ, पेट में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा बता है, सो ना जोर से, तुम ऐसी बातें क्यों करते हो? अभी मैं करूँ वैसी बातें, चल नहीं देखता हूँ क्या बोलती है तो तुम। मेरे तो मूड स्विंग्स होते हैं ना प्रेगनेंसी में। तुम्हारा मूड स्विंग होता है, मेरा सब स्विंग हो जाएगा फिर। अरे पता है पागल, मुझे आप पे बिलीव है। मुझे पता है, नहीं है, सच बताना, तो मैंने कभी बोला है? मैंने क्या बोला ये तो तुम्हें? मजाक हाँ मस्ती की बात है डार्लिंग। तो मुझे पता है मैंने बोला ना, हाँ चलो, नहीं चाहिए कुछ भी, नहीं मैच जरूरी है, यस कट्टी बिल्कुल बिल्कुल कट्टी, बिल्कुल पुच्ची नहीं होंगे अब। बिल्कुल। हाँ हे एवरीवन, तो समय हो रहा है सुबह का 6:52, और मुझे कमर में और दर्द हो रहा है पेट में। अभी ये पता नहीं कौन सा दर्द है, बट ऐसा अंदर से फील हो रहा है कि लेबर पेन ही शायद स्टार्ट हो रहा है। नींद नहीं आ रही है, अभी अनिल सो रहे हैं सोने के। कंट्रोल कर रही हूँ, नहीं होगा तब अनिल को उठाऊंगी, ऐसे नहीं उठाऊंगी अभी। ये आज सवेरे जल्दी ही नहाली हैं, आज मुझे लग रहा है कि आज इनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, क्योंकि इनको कुछ प्रॉब्लम शुरू हो गई हैं, सवेरे से दर्द भी शुरू हो गया है, अब पता नहीं है क्या है क्या नहीं है। दर्द तो हल्का हल्का हो रहा है, बट तो कुछ प्रॉब्लम है तो इस वजह से। तो वो प्रॉब्लम सिर्फ डिलीवरी से पहले आती हैं? हाँ अच्छा, तो तुम्हें क्या लगता है? मुझे क्या पता, ये तो फर्स्ट टाइम हो रहा है ना मेरे साथ। फर्स्ट टाइम हो रहा है? अरे लक्ष्य के टाइम ऐसा नहीं हुआ था ना, अच्छा लक्ष्य के टाइम पे सिर्फ दर्द हुआ था। अच्छा,
इस टाइम मैं इनसे बोल रही हूँ कि आप भी ना लो जल्दी, मेरे दो दिन के कपड़े डले थे मैंने वॉश करके डाल दिए, और आज मुझे एयर वॉश नहीं करना था बट फिर भी मैंने किया कि अगर डिलीवरी होगी तो फिर मैं, एयर वॉश गंदे हैं यार, ये मुझसे कह रही है तुम जल्दी ना लो, ये ना चुकी हैं आज बहुत जल्दी। लक्ष्य के आज से स्कूल शुरू हो गए तो आज सवेरे की जगह है, इनने सोने भी नहीं दिया मुझे। लक्ष्य ने नहीं सोने दी, मम्मी उठी है जल्दी और लक्ष्य भी उठा है जल्दी, फिर मैं तो उठी हूँ, मम्मी उठी तभी भी उठी। लक्ष्य तो पता नहीं कितने बजे उठ गया था, मम्मी उठी 5:30 बजे, मैं भी उठी हूँ 5:30, मैं उठी तब मम्मी उठ गई थी पहले, ठीक है, और लच उठ गया तभी 5:30-6 बजे। मुझे बिल्कुल भी नहीं सोने दिया, बकर 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 बकर। चल नहा लो जल्दी से, चल नहा लो, ये धोके डाल देना है, अभी ये भी करना पड़ेगा हॉस्पिटल गए तो जरूरत, ये देख लो ये करना पड़ता है पता है, अच्छी तरह धो देना ठीक है, और बिल्कुल प्रेस करके दे दो, और यार कपड़े तो मैंने डाल दिए, धुल देना जल्दी सूख जाए इससे, तो जल्दी ना। हेलो एवरीवन, तो अभी समय हो रहा है 9:01 और मैं लेट गई हूँ क्योंकि हल्का हल्का दर्द हो रहा है मेरे, और सुबह जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि मुझे हल्का हल्का पेन हो रहा है, जैसे पीरियड टाइम में होता है ना कमर में उस टाइप का, तो मैं लक्ष्य से बोल रही थी कि हो सकता है बेबी आपको स्कूल से आना ना पड़े, और लक्ष्य का आज फर्स्ट डे है स्कूल का, 1 महीने बाद वो स्कूल गया है, और अनिल नहा लिए और पूजा कर रहे हैं वो, और मुझे लच की बहुत याद आ रही है, सारे दिन कुछ ना कुछ करता रहता था, मैं बोलती थी बेबी सेब ले आओ, बेबी पानी दवाई, मेरा सारा ख्याल रखता था, खैर बच्चों को तो स्कूल जाना ही है, बट मैं उसको डांट देती थी, गुस्से में आप बच्चों को डांट देते हो पर बाद में फिर मुझे बहुत रोना आता, आई नो सब मम्मियों को आता होगा बच्चों पर गुस्सा करने के बाद कि हमने क्यों किया, उसने जब से मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ मुझे प्रॉब्लम आई है, तब से उसने इतना ज़्यादा काम किया है ना, बहुत ही ज़्यादा, बहुत कमज़ोर हो गया, पहले बहुत मोटा था, मैं बोलती थी कि थोड़ा कंट्रोल करो, ये करो वो करो, और बेचारा क्या करे, जब से उसकी अम्मा आई है तो अम्मा भी डांट देती है, तो बोलता है कि अम्मा भी डांट देती हैं, सबकी अम्मा प्यार करती है, मेरी अम्मा प्यार ही नहीं करती है, खैर मम्मी की आदत नहीं है, उन्होंने स्टार्टिंग से नहीं किया है, और वो लक्ष्य को नहीं, वो किसी को ही नहीं करती है, उनकी आदत है, ऐसे होता नहीं बहुत से अम्मा बाबा के बहुत प्यार करते हैं ऐसे, कि बाबा तो खैर करते हैं उसके, अम्मा भी प्यार तो सभी करते हैं, बट वो होता ना एक अम्मा बाबा से नहीं, तो वो इतना है नहीं, तो अभी अनिल कर रहे हैं पूजा, फिर वो जाएंगे मंदिर और फिर हम लोग हॉस्पिटल जाएंगे, मैं मम्मी से बोल दिया है आप नहा लो, तो मम्मी गई है नहाने के लिए, और लक्ष्य चला गया है स्कूल, पर मैं उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा, और मैं नहा के आई, आज मैंने हेयर वॉश भी कर लिए क्योंकि वैसे मैं कल करने वाली थी, बट मैंने सोचा कि हेयर मतलब अगर मैं हॉस्पिटल चली गई कुछ होता है तो फिर बाद में कितना टाइम लगेगा कुछ नहीं पता, इस वजह से, और जो भी मेरी पैकिंग थी बच्चे की और अपनी वो मैंने एक बैग में पैक कर लिया सब कुछ, और अनिल जा रहे हैं मंदिर, जा रहे हो,
हाय बोल दो सबसे, अच्छे से प्रे करके आना, ठीक है। तो मेरे 2 दिन के कपड़े डले थे, तो मैं सोच रही थी कि कल वॉश करूँगी 2-3 दिन के एक साथ, तो फिर मुझे लगा कि चलो आज ही वॉश कर देती हूँ, तो फिर मैंने आज ही वॉश करके डाल दिए कपड़े, वरना फिर टंगे रहते हैं ना, कौन करता इस वजह से। और सच में मुझे लक्ष्य की बहुत याद आ रही है यार, कभी कभी अपने इमोशन ना शेयर कर देने चाहिए, वरना घुटन होती है ना, तो जब भी मेरे रोने का दिल करता है तो मैं रो लेती हूँ, मतलब कोई भी रीज़न हो, मतलब किसी भी रीज़न पे ऐसे रोना आता है तो मैं रो लेती हूँ। मुझे ज़्यादातर बहुत कम आता है, मतलब अभी तो प्रेगनेंसी में तो बहुत आता है, हो सकता है मूड स्विंग्स होते रहते हैं, दर्द होता है उसकी वजह से, फिर डर लगने लगता है अचानक से कि क्या होगा डिलीवरी को लेके, वो सारी चीज़ें। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं, ससुराल की तरफ से, मेरे हस्बैंड की तरफ से ऐसा कुछ भी मुझे कोई, मैं कभी ऐसे नहीं रोई कि मुझे प्रॉब्लम है उनकी वजह से, तो ऐसे होता है ना कि दुखी होता है इंसान, तो नहीं, बस मुझे थोड़ा इमोशन, मतलब या मैं लक्ष्य को डांट देती हूँ तब रोना आता है, या फिर मुझे, मैं किसी के साथ बहुत अच्छी होती हूँ फिर भी मतलब उसकी तरफ से मुझे लगता है कि उसने मेरे बारे में ये सब बोला है, तब मुझे खुद पर रोना आता है कि यार मैं सबको अच्छा समझ बैठती हूँ, ये सारी चीज़ें, इन चीज़ों पर मुझे आता है, और वैसे मुझे नहीं आता, और किसी से मुझे जो मेरे कोई लगते नहीं हैं और उनसे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको तो मैं सुना देती हूँ, जैसे होता है ना कभी कभी वो सारी चीज़ें। चलो मैं थोड़ा सा आराम करती हूँ और वेट करती हूँ अनिल का, मंदिर से आते हैं फिर डॉक्टर से बात करेंगे, अपॉइंटमेंट लेंगे, और नहीं भी लेंगे कि ज़्यादा प्रॉब्लम होगी तो फिर हमें जाना ही पड़ेगा, अभी तो थोड़ी थोड़ी सी है इस वजह से। तो आज मैंने हेयर वॉश किया था, अभी हल्के से ड्राई हो गए हैं, और एकदम से नहीं हुए हैं, तो मैंने कंघी भी कर ली है, ऐसा ना हो कि हॉस्पिटल जाना पड़ जाए। और अभी मैडम को मैसेज किया है अनिल ने, देखो मैडम क्या बोलती हैं, क्योंकि समय अभी 9:30 ही हुआ है, इस वजह से मैडम शायद 11 या 12 बजे से बैठती हैं ना, ऐसे कुछ बैठती हैं। और मुझे किसी ने कमेंट किया था कि दीदी आप हॉस्पिटल जाओ, उससे पहले अपना ये ताबीज है ना वो निकाल देना, तो मैं निकाल दूँगी, और उन्होंने ये भी बोला था अपनी सासू माँ से पूछ लेना निकालते हैं, तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच कि आपने बताया, कमेंट किया। अरे यार भूल जाते हैं, ऐसा ही है ना, तो बस अभी मैं अभी बस निकाल दूंगी थोड़ी, अब मुझे नहीं पता ना, मैं सोच रही हूँ कि जब दर्द हो या हॉस्पिटल का बिल्कुल नंबर आए तब निकालूं, और लक्ष्य स्कूल गया है, लक्ष्य का भी निकालना पड़ेगा और आपका भी निकालना पड़ेगा, तो तीनों का निकाल के मंदिर में रख देंगे, और उसके बाद कुछ होगा तब पहन लेंगे, मतलब सब कुछ सूतक वगैरह हट जाता है तब पहनते हैं ना। हाँ तो अभी तो मैंने पहन लिया है, लेकिन मैंने ये ब्लैक वाला धागा और जिसमें मेरे गोल्ड वाला ओम डला हुआ है ना वो पहन लिया है, क्योंकि मैंने मंगलसूत्र नहीं पहना है, मंगलसूत्र मेरा एक से ऊपर एक तौले से, तो मैं नहीं पहनना चाहती हॉस्पिटल में इसलिए तो मैंने ये अपना जो काले धागे में मेरा ओम है ना वही पहन लिया है। तो चलो मेरे लिए पनीर सेक दो, थोड़ी सी पनीर सेक दो, मैंने इनसे बोला था मम्मी के सामने ऐसे ही कि चलो, मम्मी बोल रही थी कि चल हॉस्पिटल जाइए, उससे पहले रोटी वोटी खा ले, कुछ खाना है, तो मतलब सुबह सुबह किसको भूख लगती है, वो मैं थक गई, मैंने कि सुबह सुबह किसे भूख लगती है, मैं नहीं खा रही। उसके बाद फिर अनिल आए, तो मैंने जानबूझ के बोला कि जल्दी मंदिर पर पूजा करके आओ और मेरे लिए पनीर सेक देना, तो बोल रहे कि तुझे हॉस्पिटल जाने की पड़ी है या पनीर खाने की पड़ी है, तो मैंने बोला वो फ्रिज में रखी रहेगी, इससे पहले मैं खा ही लूँ, है ना, मुझे पता था ये यही बोलेंगे, इन्होंने एक बार भी नहीं बोला कि हाँ चलो तो मैं हॉस्पिटल जाऊँ, इससे पहले ही पनीर खा लेना। हेलो बस वेट इज ओवर, वेट इज ओवर, कुछ भी होता है सर्च करने लग जाते हैं। मैम को मैसेज कर दिया, कर दूंगा मैडम, कर दूंगा, कर दो यार, कर दूंगा। देख लो
इसको बोलते हैं चिंता। मोबाइल चला रहे पर मैसेज अभी तक नहीं किया, फिर मैं नाटक करने लगूंगी तब करोगे क्या? मानती हो ना नाटक कर? नहीं तो नाटक करते हैं उनकी लोग ज्यादा सुनते हैं ना, तो मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। दर्द ही तो नहीं हो रहा, दर्द ही तो नहीं हो रहा, सिर्फ पैरों में कमर में हो रहा है दर्द, और क्या बोलते हैं उसको, लेवर पेन? लेवर पेन नहीं यार, वो मतलब जो सुबह से मुझे जो प्रॉब्लम आ रही है उसकी, पता नहीं। हाँ वो हल्का हल्का वाटर ब्रोक बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो, हल्का हल्का, ज़्यादा नहीं है। सुबह थोड़ा 2-3 बार ज़्यादा हुआ था, अभी कम है, तो डॉक्टर के पास तो जाना ही पड़ेगा, है ना, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। चलो थोड़ा मेरे हेयर ड्राई हो जाएं, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलूं। तो फाइनली 12 बज गए हैं, हमें 12 बजे की अपॉइंटमेंट मिली थी, और मेरी दर्द भी हो रहा है हल्का हल्का सा, और जो प्रॉब्लम थी वो तो हो ही रही है बीच बीच में। तो डॉक्टर्स को मैसेज किया था हमने अपनी को, तो उन्होंने बोला था कि जल्दी से आओ हॉस्पिटल, तो अब हम जा रहे हैं हॉस्पिटल, और मुझसे चला भी नहीं जा रहा सच बताऊं। देखो डॉक्टर क्या बोलती हैं, मुझे लग रहा है आजकल में ही होगा, अगर ये बाटर वाली प्रॉब्लम हो गई तो फिर मुझे लग रहा है जल्दी से ही होगा, ऐसा फील हो रहा है। तो बस चलते हैं, मम्मी घर पे, लक्ष्य गया है, हुआ है स्कूल। चलो फाइल अनिल लेके आ गए हैं, और मैंने कुछ खाया नहीं है, पनीर तो खा ली थी, उसके बाद से कुछ नहीं खाया। चलो चलते हैं, देखो मैडम क्या बोलती हैं, आप लोगों से बताएंगे। ये ब्लॉग काफ़ी लंबा हो गया, इस ब्लॉग का हम यहीं पे एंड करते हैं, और जो भी अपडेट रहेगी नेक्स्ट ब्लॉग में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। बाय बाय, लव यू, टेक केयर, आप लोग अपना ख्याल रखना, और अपनी ब्लेसिंग्स मुझे ज़रूर देना। थैंक यू। Thank you.